हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा 14th लेसन है, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अब बायोमोलिक्यूल्स ये जो वर्ड्स है बेटा, आपने बहुत बार अपने लाइफ में सुना है कि बायो और मोलिक्यूल्स से होता है। जैसे हमने इसके पहले मोलिक्यूल्स देखा, मोलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ एटम, एटम से बनते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से बनते हैं एलिमेंट, एलिमेंट से कंपाउंड और मिक्सचर, ये फॉर्मेशंस होता है। लेकिन ये चैप्टर में आपको कुछ अलग ही पढ़ना है, ठीक है, जो बायो मॉलिक्यूल्स है। बायो का मतलब होता है, ध्यान दो अच्छे से, बायो का मतलब अगर हम देखें तो बायो का मतलब होगा आपका लिविंग। ठीक है, क्या होगा? लिविंग्स। और मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल्स को मैं बोल दूंगा एक प्रकार की एनर्जी। ठीक है, अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स है कि जो उन्हें क्या प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड्स करेंगे, वो वन बाय हम देखेंगे कि होते क्या है, उनका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, कैसे प्रकार है। ठीक है, अब ये चैप्टर का वेटेज अगर हम देखें तो 3 मार्क्स का वेटेज है और मैक्सिमम अगर है तो 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। लेकिन ये चैप्टर की जो लेंथ है, समझ में आ रही है बात, ये जो चैप्टर की लेंथ है ये मार्किंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो देखिए इसको अच्छे से पढ़ना आपको, जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट अपॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में ऐसे कौन से पार्टिकल्स है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड्स करते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे कौन से सब्सटेंसेस है जो हम इनटेक करने के बाद जब वो डाइजेशन प्रोसेस होगा तब जाके उनका क्या होगा, एनर्जी फॉर्मेशंस का काम होगा, तो वो हमें देखना है। तो आपके टेक्स्ट बुक में फर्स्ट अपॉन कैन यू रिकॉल्स कुछ क्वेश्चंस आपको आस्किंग किए हैं, ठीक है, उसमें क्या पूछा है, देखो पहला क्वेश्चन आपको पूछा बेटा, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बैलेंस डाइट। जो भी आप खाना खाते हो तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है जो बैलेंस डाइट उसे बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरा पूछा, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जब डाइजेशन होगा कार्बोहाइड्रेट्स का तो प्रोडक्ट क्या होंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा, विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डाइट इज यूजफुल फॉर बिल्डिंग मसल्स। बिल्डिंग मसल मतलब मसल्स बनाने के लिए कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। फिर पूछा, विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डाइट इज अ सोर्स ऑफ हाई एनर्जी। ऐसे कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जो आपको एनर्जी का सोर्स मैक्सिमम क्वांटिटी में देंगे। और लास्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो आपके बॉडीज के अंदर में या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो तो जो जेनेटिक ऑर्गेनिजम्स है तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, तो मटेरियल्स कौन से, वो हमें वन बाय वन देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा, पहला जो है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बैलेंस डाइट। ठीक है, बैलेंस डाइट क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका आंसर देखो, जो मैंने आपको बोला कि ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं जो आपको एनर्जी प्रोवाइड्स करेंगे, ठीक है। अब एनर्जी अगर प्रोवाइड्स करना है तो फर्स्ट अपन आपको पता है ये क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, बाद में अगर हम देखें तो फैट्स है, लिपिड्स है, ठीक है, प्रोटीन्स है, ठीक है, प्रोटीन्स है, बाद में विटामिन्स है, ठीक है, विटामिन्स भी है एक्सेट्रा, ये सभी जो है ये क्या होता है आपके जो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है, जिसको हम एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, एज अ मॉलिक्यूल्स के पैटर्न में होते हैं जो आपके बॉडीज को एनर्जी क्या करते हैं, प्रोवाइड्स करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होते हैं, तो वही आपको पहले क्या पूछा है कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बैलेंस डाइट, आप जो खाना खाते हो उसमें कौन से सब्सटेंसेस प्रोवाइडेड होते हैं और जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे क्या पूछा है, जो पहला है वो है बेटा आपका कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, बाद में बोला प्रोटीन्स, फिर लिपिड्स, लिपिड्स के अंदर में क्या आएगा, फैट्स और ऑयल्स का आएगा, गॉट द पॉइंट। फिर पूछा विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ बैलेंस डाइट। ये आंसर आपको अच्छे से याद रखना है कि आपके बॉडी को एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं जो बैलेंस डाइट के लिए आपको यूजफुल होगा, ठीक है। नाउ तो पहला जो है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स एंड ऑयल, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बैलेंस डाइट, ठीक है। नाउ सेकंड जो है, सेकंड जो पूछा बेटा आपको, सेकंड क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो कि जो है, ठीक है, सेकंड जो है तो वहां पे आपको क्या दिया, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब वहां पे आपको पूछा क्या है कि प्रोडक्ट कौन से है जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए होगा, तो देखो वहां पे द प्रोडक्ट, अब डाइजेशन का मतलब क्या होगा, जब बेटा आप खाना आपके बॉडी इसके अंदर में आप लोगे तो वो डाइजेस्ट होगा और डाइजेस्ट होने के बाद में आपको वहां से क्या होगा, एनर्जी आपके बॉडीज में रिलीज होगा। तो इसके पहले आपने क्या पढ़ा है, जब भी आप खाना खाते हो, मान के चलो बेटा आपने वेट खा लिया, ठीक है, मतलब रोटी जो है वो खाई आपने, ठीक है, अब वो जो रोटी है, ठीक है, मान के चलो आपने वो आटे की रोटी खाई,
ठीक है, जो गेहूं से बनती है, तो वहां पे क्या हुआ, आपने उसको इनटेक किया, ठीक है, क्या किया, इनटेक, इनटेक होने के बाद आपके पेट के अंदर में उसका क्या होगा, दैट इज डाइजेशन होगा। अब डाइजेशन होने के बाद जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स है वो वहां पे रिलीज होंगे और आपकी बॉडी जो है जो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है वो करती है एटीपी के फॉर्म में। इसके पहले हमने देखा है कि आपकी बॉडी जो है एनर्जी जो एब्जॉर्ब करती है एटीपी के फॉर्म में, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है कि आपकी बॉडी उसके फॉर्म में एनर्जी मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट करती है, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट जो है ये आपको अलग अलग फूड मटेरियल से आपके के अंदर में एब्जॉर्ब होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? नाउ आर द सिंपल शुगर्स लाइक ग्लूकोज, और उसका सिंपल शुगर्स में कन्वर्ज होगा और फिर वो एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मतलब जब भी आपने खाना खाया, जैसे वीट खाया, रोटी खा ली या फिर कोई और सब्सटेंस खाया, तो उसकी जो कार्बोहाइड्रेट है उसका कन्वर्जन होगा शुगर्स में लाइक ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज का कन्वर्जन होगा एनर्जी गिविंग मटेरियल्स दैट इज एटीपी, एनर्जी से रिलीज होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड आंसर। जो क्या पूछा था आपको, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो डाइजेशन प्रोसेस के बाद में कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वन, व्हिच कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डाइट इज यूजफुल फॉर बिल्डिंग मसल्स। अब कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जो बिल्डिंग मसल्स, मतलब आपकी बॉडी के मसल्स को जनरेट करने के लिए यूजफुल होगा, तो वहां पे देखो, यू नो वेरी वेल, जो प्रोटीन्स होते हैं, आपको पता है बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट जिसको हम बोलते हैं, तो प्रोटीन्स आर यूजफुल फॉर बिल्डिंग मटेरियल्स। ये तो ओनली वन सबको पता है कि प्रोटीन्स ही है जो अपनी बॉडी बिल्डिंग, अपनी बॉडी के हाथ पैर जो भी बॉडी पार्ट्स है उसके अंदर में जो भी मसल्स है उसको डेवलप करने के लिए यूजफुल होता है, ठीक है। नाउ विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डाइट इज अ सोर्स ऑफ हाई एनर्जी, तो मैक्सिममली जैसे कौन सा पार्टिकल से कि जिससे आपको हाई एनर्जी मिलती है, देखो वहाँ पे, तो फैट्स, इसका ध्यान ध्यान में रखना, हाई एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट जो होता है वो फैट्स होते हैं और बिल्डिंग मटेरियल न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, दोनों को अच्छे से ध्यान में रखना। बाद में लास्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा बेटा, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्या पूछा, जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पूछा। अब जेनेटिक मटेरियल्स क्या होता है, इसके पहले हमने देखा जो डीएनए होता है, आरएनए होता है, देखा है ना आपने, क्या क्या देखा बेटा, दैट इज डीएनए देखा, ठीक है, बाद में आपने आरएनए देखा, फिर जीन देखा, बाद में न्यूक्लिक एसिड देखा, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जिसके अंदर में हमने क्या पढ़ा था, माइटोसिस मियोसिस प्रोसेस पढ़ा था, तो उसके अंदर में ये सब क्या है, जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने में अपना योगदान देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, दैट इज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड कहाँ होता है, दैट इज न्यूक्लिक एसिड जैसे अमीनो एसिड वगैरह होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लियस के अंदर में रहता है, तो वो क्या होते हैं, दैट इज जेनेटिक मटेरियल्स। तो यहाँ पे आंसर क्या दिया, यहाँ पे आंसर क्या दिया बेटा आपको, दैट इज न्यूक्लिक एसिड, कौन सा, जैसे डीएनए हो गया, जीन भी हो गया, वो न्यूक्लिक एसिड्स है, कॉन्स्टिट्यूएट द जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। समझ में आया, ये सिंपल से थे पॉइंट जो आपको यहाँ पे, आपको कैन यू रिकॉल में आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आपको पूछे हैं, ठीक है बेटा। नाउ अगर हम थोड़ा आगे चलते हैं, तब आपको पूछा है कि व्हाट इज मीन बाय बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अब बायोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना जरूरी है कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो लाइफलेस पार्टिकल्स पहले होते हैं। क्या बोला मैंने, लाइफलेस पार्टिकल्स होते हैं, एक तो वो सीक्वेंस में होंगे या फिर सीरीज में होंगे, बाद में जब कंबाइन आएंगे तो वो लाइफ पार्टिकल्स जो है ये आपको कुछ सीक्वेंस प्रोवाइड करेगा और उसे हम बोलेंगे दैट इज लाइफ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, प्रोड्यूसेस द लाइफ, मतलब लाइफलेस पार्टिकल्स कंबाइन होंगे और लाइफ प्रोड्यूस करेंगे, उसे हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। या फिर कोई और अगर उसके हम डेफिनेशंस देखें, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, अ बायोमोलिक्यूल्स इज अ केमिकल कंपाउंड, बायोमोलिक्यूल्स इज अ केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग सब्सटेंसेस के अंदर में आपको पाए जाते हैं, जब हम उसे इंटेक करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेशन प्रोसेस होता है, तब वो एनर्जी के फॉर्म में आपके बॉडीज के अंदर में रिलीज होते हैं। तो उन्होंने बोला अ बायोमोलिक्यूल्स इज अ केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कहाँ पे मिलेंगे आपको, कहाँ पे फाउंड होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि अपने चैप्टर का ही हेडिंग क्या है, बायो मॉलिक्यूल्स, क्या है अपने चैप्टर का हेडिंग, बायो मॉलिक्यूल्स, बायो मतलब लिविंग, मॉलिक्यूल्स मतलब एनर्जी पार्टिकल्स, ठीक है। नाउ अब फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच इज यूज फॉर वेरियस प्रोसेस, और किसके लिए यूज होंगे,
वेरियस प्रोसेस ऑकरिंग इन दैट ऑर्गेनिज्म। अब जो ऑर्गेनिजम्स है अपने डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस क्या करता है, यूज करता है, उसके वहां पे वो क्या होंगे, यूज होंगे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो। तो डेफिनेशन समझ में अच्छे से क्या होता है बायोमोलिक्यूल्स। अ बायोमोलिक्यूल्स इज अ केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच इज यूज्ड फॉर वेरियस प्रोसेस ऑकरिंग इन दैट ऑर्गेनिज्म। व्हाट द पॉइंट, ठीक है। चलो अब ये जो है आपका बायोमोलिक्यूल्स, अब इसके बेसिक टाइप कौन से जो अभी हमने देखे, जो एनर्जी गिविंग मटेरियल्स होते हैं, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो पहला है बेटा कौन सा, कार्बोहाइड्रेट्स। कौन सा है, पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, अब ये कार्बोहाइड्रेट्स जो बेसिक टाइप से बेसिक प्रोसेस है, तो ये ऑप्टेंट कहाँ से होगा, वहाँ से एनर्जी मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे कहाँ से, ये चेक करते हैं। देखो तो कार्बोहाइड्रेट का जो अगर हम सोर्स देखेंगे तो ये यूनिक प्रोसेस है, और कौन से प्रोसेस से कंप्लीट होगा, दैट इज फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपको अच्छे से पता है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। तो वहां पे जो ग्लूकोज होता है मैक्सिमम क्वांटिटी में, वो किसके फॉर्म में मिलेगा आपको, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। इसके पहले हमने देखा, देखो यहां पे जो है, ये देखो यहां पे क्या बोला, डाइजेशन जब भी होता है कार्बोहाइड्रेट्स का तो सिंपल शुगर्स आपको मिलती है, दैट इज ग्लूकोज, ठीक है। और ये भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही क्या होता है आपको, ऑप्टेंट्स होता है। व्हाट द पॉइंट, नेक्स्ट सोर्स अगर हम देखें या फिर बेसिक प्रोसेस अब देखें, बेसिक टाइप्स अगर देखें बायोमॉलिक्यूल्स का, तो वो है बेटा आपका प्रोटीन्स, ठीक है। अब ये क्या होता है, जो प्रोटीन्स होते हैं ये प्राइमरी स्ट्रक्चर मटेरियल्स होते हैं, जब भी आपके बॉडीज के अंदर में जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसका डाइजेशन जब होता है, तो वहाँ पे फर्स्ट अपन प्रायोरिटी जो है वो ये सब्सटेंस लेते हैं, दैट इज प्रोटीन, और वो क्या होता है, डायरेक्टली रिफ्यूज होता है आपके बॉडीज के अंदर में, और आपके बॉडी गिविंग बिल्डिंग जो है वो बनने वाली है उसको प्रायोरिटी देता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन है आपका न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में हमने क्या देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं ये जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या बोला मैंने, न्यूक्लिक एसिड, जैसा अमीनो एसिड बोला है, फिर न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए हमने देखा, जीन देखा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड जो पूरे ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए यूजफुल होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें बेटा तो लिपिड्स है, ठीक है। लिपिड्स में हमने क्या देखा, मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑयल एंड मिल्क, ठीक है। मिल्क के अंदर में आपको पता है क्या होता, ठीक है, वो शुगर होता है, उसका कन्वर्जन फिर वहाँ पे लैक्टिक एसिड में, तो लैक्टोज नाम की शुगर होती है, और फिर उसका लैक्टोबैसिलस नाम का ऑर्गेनिज्म उसको ऐड करके लैक्टिक एसिड में उसका कन्वर्जन करता है, ठीक है। तो ये बेसिक टाइप्स हो गए किसके, बायोमोलिक्यूल्स के। अगर आपको पूछे राइट द बेसिक टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, ठीक है। तो ये सब होता है, ठीक है। नाउ अगर हम आगे चलते हैं, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो फर्स्ट अपॉन हमें देखना बेटा कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमें क्या करना है, बेसिक टाइप्स में आपको पढ़ना है, पहला कार्बोहाइड्रेट्स, फिर प्रोटीन्स, फिर न्यूक्लिक एसिड, फिर लिपिड्स, ठीक है। फर्स्ट अपॉन हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, ठीक है। हम डेफिनेशंस देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो ये जो पॉलीहाइड्रोक्सी होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्सी मतलब ओएच ग्रुप, मतलब मेनी ओएच ग्रुप्स वहां पे प्रेजेंट होके, कहाँ पे, एक तो अल्डिहाइड ग्रुप होगा या फिर कीटोज ग्रुप होगा या फिर कंपाउंड्स विच राइज टू सच यूनिट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस। जब हम उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस का मतलब एडिशंस ऑफ वाटर जब करेंगे, तो वहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसके अंदर में आपको मेनी ग्रुप्स मिलेंगे, किसके, एक तो अल्डिहाइड्स के और यार कीटोन्स के। हमने देखना है, जब हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का, तब आपको समझ में आएगा कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, तो वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर होगा कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप क्यों बोला है और पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डोज और कीटोज ऐसा क्यों बोला है, तो वहाँ पे क्लियर होगा। बस अभी इतना ही ध्यान में रखना कि पॉलीहाइड्रोक्सी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं या फिर ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोलिसिस से आपको अपडेट होंगे, क्लियर। नाउ सेकंड पॉइंट ध्यान में रखना, द कार्बोहाइड्रेट विच आर स्वीट इन टेस्ट, उनकी जो कार्बोहाइड्रेट्स है मैक्सिममली जो उनकी टेस्ट होती है वो स्वीट होती है, जिसका उनका आइडेंटिफिकेशन होता है, जिसके अंदर में हम देख सकते हैं ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है,
आर कॉल्ड एज द शुगर्स, ठीक है, ये क्या एक प्रकार की शुगर्स है, तो वो हमें भी देखना है कि एल्डिहाइड में किसका इंक्लूडेशन होगा और कीटोन्स के अंदर में किसका होगा, कौन सी शुगर उसके अंदर में इंक्लूड होगा, ये हमारा क्लियर होगा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर में, ठीक है। नाउ मोस्ट ऑफ द शुगर जो होती है जो कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में पाई जाती है वो सुक्रोज के इसमें फॉर्म में जाती है। मोस्ट ऑफ कॉमन शुगर आर प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स, वो जो होती है वो सुक्रोज होती है, ये ध्यान में रखना, कौन सी होती है बेटा, सुक्रोज, ठीक है। एंड लैक्टोज इज अ शुगर फाउंड इन मिल्क, अगर आपको पूछे कि विच टाइप्स ऑफ शुगर आर प्रेजेंट इन मिल्क, क्योंकि हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि मिल्क के अंदर में लैक्टोज नाम की शुगर होती है, और जब हम इसके अंदर में बटर मिल्क या कर्ड या ऐड करते हैं, इसका मतलब उसके अंदर में लैक्टोबैसिलाई नाम का ऑर्गेनिज्म होता है, तो मिल्क के अंदर में जो आपकी लैक्टोज नाम की शुगर प्रेजेंट होती है, तो जो लैक्टोबैसिलाई ऑर्गेनिज्म है लैक्टोज नाम की शुगर को ईट करके उसका कन्वर्जन लैक्टिक एसिड में करता है, ठीक है, तब जाके वो जो कर्ड फॉर्म होता है उसकी टेस्ट सोर होती है, ठीक है, ये हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, तो ये पॉइंट मोस्टली यूजफुल है कि लैक्टोज इज अ शुगर फाउंड इन मिल्क, ठीक है। फिर आपको पूछते हैं डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, क्या पूछते हैं बेटा, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स की आप डेफिनेशन ये वाली ध्यान में रखना, कौन सी, कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये पॉलीहाइड्रोक्सिलडिहाइड्स और कीटोन्स और कंपाउंड्स विच गिव राइज टू सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सिलडिहाइड्स और कीटोन्स या फिर कुछ कंपाउंड्स है जो क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस करने के बाद में आपको उसका आइडेंटिफिकेशन होगा, गॉट द पॉइंट, ये डेफिनेशन आपको वन मार्क के लिए पूछती है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स वर्ड्स है, ध्यान दो, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स वर्ड्स है ये बेटा ग्रीक वर्ड, कौन सा, कहाँ से आया, ये ग्रीक लैंग्वेज से है, दैट इज ग्रीक वर्ड, और कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब होता है सैक्रॉन, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब होता है सैक्रॉन, ठीक है, और वो जो है सैक्रॉन मतलब स्वीट इन टेस्ट, उसका मतलब जो होता है, और उसी को आगे चल के उन्होंने बोला है सैक्राइड्स, क्या बोला बेटा, सैक्राइड्स, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो कॉल्ड एज सैक्राइड्स, ठीक है, क्या बोला मैंने, कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो कॉल्ड एज अ सैक्राइड्स, आप इसे बोल सकते हो, गॉट द पॉइंट, ठीक है। अब ध्यान दो उसका जो जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला, ठीक है, जनरल फॉर्मूला जो है वो है बेटा CX, ठीक है, CX H2O और यहाँ पे आएगा Y, क्या बोला मैंने, CX H2O और वहाँ पे आएगा Y, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर हम यहाँ की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, अगर इसका बात मतलब हम देखेंगे, ठीक है, अब इसका मतलब होगा, देखो कार्बन है और वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो इसका मतलब हम लेंगे कार्बन इज सराउंडेड बाय, ठीक है, कार्बन इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब क्या होगा कि जो कार्बन है कार्बन सेंटर में होगा और उसके अलोंग में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स एम्बेल्ड होगा, उसके अलोंग में प्रेजेंट होगा, मतलब सेंटर में क्या रहेगा, कार्बन, और सराउंडेड बाय क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है इसे हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, क्या बोल सकते हैं हम इसे, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, समझ में आ रही बात, ये सेंटेंस ध्यान में रखना, क्या बोला मैंने, जो कार्बन होता है ये सराउंडेड, कार्बन सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट इज दिस फॉर्मूला, ठीक है, CX H2O बाय Y, और दूसरी चीज जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है इसी को हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है, फॉर्मूला तो आपको यहाँ पे दिख रहा है CX H2O बाय Y, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसी को हमने बोला हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, तो ये क्यों, क्योंकि एवरी कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये आपको ये फॉर्मूलास में फिट नहीं होते, कुछ बैठते हैं तो कुछ नहीं बैठते, तो वन बाय वन हम देखते हैं कि ऐसे कौन से हैं कि जो इसके अंदर में बैठेंगे। जैसे पहला अगर बात करें, ठीक है, पहले की अगर बात करें हम लेंगे पहला बेटा ग्लूकोज, ठीक है, पहला क्या लेंगे, ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6
H12O6। ठीक है, अब ये फॉर्मूला में बैठाने की कोशिश करेंगे। कौन सा बेटा? ये वाला फॉर्मूला जो आपका CXH2O। तो C कितना है? C6 बाद में H2O और ये यहाँ पे कितने? H12। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 6 अगर लगा दे बेस में तो देखो ये फिट हो रहा है क्या। C6, ठीक है, C6 H2 × 6 12 और O6, यस ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्मूला में बैठ रहा है, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट्स है। ऐसे बहुत से कंपाउंड्स होते हैं जो ये फॉर्मूला में फिट होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर में फिट होते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। गॉट इट? कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर में फिट नहीं होते लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, वो एक नोट में आपको बताऊंगा जिसके अंदर में आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलो ये पहला एग्जाम्पल हुआ। अगर हम यहाँ पर मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ, ठीक है, अब ग्लूकोज हुआ, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते बेटा सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? ठीक है, C12H22O5। ठीक है, H22O11 है। ठीक है, अब ये फॉर्मूलाज के अंदर हमें बिठाने की कोशिश करते हैं क्या है। C कितना है यहाँ पे? यस 12। ठीक है, H2O देखो यहाँ पे कितना है, 11 ले लो, देखो बैठ रहा है C12H2 × 11 22 और O11, यस फिट हो रहा है फॉर्मूलाज के अंदर में। और कोई, ये दोनों तो मतलब क्या, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स और ये कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्मूला में फिट भी हो रहे हैं। मैंने पहले ही बोला एवरी कंपाउंड इज अ कार्बोहाइड्रेट, दे आर फिट इन द फॉर्मूला, बट दोज कंपाउंड्स इज अ कार्बोहाइड्रेट बट नॉट फिट इन दैट फॉर्मूला। ठीक है, देखते हम क्या होता है। तीसरा एग्जाम्पल्स देखो, अगर मैं यहाँ पे कोई तीसरा एग्जाम्पल ले लूँ, दैट इज रैमनोज। ठीक है, तीसरा ले लूँ रैमनोज। ठीक है, रैमनोज अगर लिया, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हमने देखा तो वो आएगा C6H12O5। ठीक है, C6H12O5। अब ये फॉर्मूलाज के अंदर में बिठाने की कोशिश करो CX, देखो ये बैठता है क्या। C कितना है? दैट इज 6H2O और यहाँ पे देखो है कितना, 12 है और यहाँ पे 5 है, मतलब ये फॉर्मूला में बैठेगा नहीं, बट इट इज अ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये फॉर्मूलाज के अंदर में नहीं है लेकिन ये क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, मैंने पहले ही बोला कि दोज कंपाउंड्स इज अ कार्बोहाइड्रेट्स बट दे आर नॉट फिट इन दैट फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, एक नोट मैं आपको लिख के दूंगा, उसके अंदर में क्लियर हो जाएगा। जैसे ये ऐड नहीं हुआ, ठीक है, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट्स है लेकिन ये फॉर्मूला में नहीं बैठा। कोई और चौथा एग्जांपल हम ले लेते हैं, दैट इज विनीगर ले लो। विनीगर को ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड, अब एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है आपका, यस CH3COOH। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कार्बन कितने, कार्बन है बेटा 2, हाइड्रोजन है 4 और ऑक्सीजन है 2, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, C2H2O/2। ठीक है, देखो CH3COOH मतलब C और C, दो C हो गए, C2 हो गया, हाइड्रोजन 3 और 1 4, हाइड्रोजन 2 2 4 और ऑक्सीजन 2, मतलब ये फॉर्मूला में बैठ रहा है। ठीक है, एसिडिक एसिड, इसी का दूसरा नाम है विनीगर। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है, विनीगर। ठीक है, अब ये विनीगर है, एसिडिक एसिड भी है, इसी का दूसरा नाम। ठीक है, ये फॉर्मूलाज के अंदर में फिट आ रहा है बट इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, बट इट इज नॉट अ, इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट्स। समझ में आ रही है बात, मतलब कहने का मतलब क्या है मेरा, देखिए चारों एग्जाम्पल में क्या है, कुछ मतलब कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं कि जो ये फॉर्मूलाज के अंदर में आ रहे हैं और ये फॉर्मूलाज के अंदर में फिट भी हो रहे हैं फिर भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जैसे रैमनोज हो गया, रैमनोज इज अ कार्बोहाइड्रेट्स बट फॉर्मूलाज के अंदर में वो फिट नहीं होता। ठीक है, कुछ ऐसे हैं कि जो फॉर्मूलाज के अंदर में फिट हो रहे लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है, तो मतलब यहां पे मैं आपको एक नोट क्या लिख के दे सकता हूं। ठीक है, और एक चीज बात ध्यान में रखना कि एवरी कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब एवरी कार्बोहाइड्रेट्स दे विल कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बट एवरी कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, यहाँ पे हम नोट क्या लिखेंगे, एवरी कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, एवरी कार्बोहाइड्रेट्स
ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, कंटेन एवरी कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन क्या क्या है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एवरी कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, बट एवरी कंपाउंड्स कंटेनिंग, क्या बोला, बट एवरी कंपाउंड्स, ठीक है, रनिंग नोट्स निकालते चलो, एवरी कंपाउंड्स कंटेनिंग, एवरी कंपाउंड्स कंटेनिंग, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज नॉट द कार्बोहाइड्रेट्स, इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, एवरी कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, समझ में आया, ये सिंपल सा लॉजिक है, चारों एग्जाम्पल्स, इसमें और एक आप ले सकते हो बेटा, फिफ्थ एग्जाम्पल दैट इज फॉर्मलडिहाइड, ठीक है, वो भी क्या है, ये कंपाउंड्स के अंदर में जो है वो बैठता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, समझ में आई बात। तो ये था हमारा आज का सेम टॉपिक और पहला टॉपिक जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शंस देखा, फिर कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है वो देखा, आगे हम जब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में वो पढ़ेंगे बेटा हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे सिंपल है और एक कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, तो वो कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, सो थैंक यू।